सो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज एंड अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दो ऐसी सेल्स हैं जिनका हम पूरा साल वेट करते हैं, क्योंकि हमें सभी आईफोन मॉडल्स के लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस हमेशा इन्हीं सेल्स पे देखने को मिलते हैं। तो फाइनली इस साल भी वो टाइम आ ही गया, इसलिए मैं इस वीडियो में सेल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, इंक्लूडिंग ऑर्डर प्रोसेस एंड आईफोन्स की प्राइसिंग। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक चेक करके जाना, एंड काफी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाते जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सेल्स लगने कब वाली हैं। तो देखो, बिग बिलियन डेज का तो ऑलमोस्ट कंफर्मड है कि वो 23rd से 30th सितंबर तक होगी। ऑल्दो फ्लिपकार्ट के एंड से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया है, बट इतना कंफर्म है कि ये सेल आपको सितंबर के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी, एंड सेम टाइम पे ही आपको अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप एंड अमेज़न प्राइम लेना पड़ेगा आईफोन्स लेने के लिए। तो देखो, सिंपल सी बात है कि आप बिना मेंबरशिप के भी अपना ऑर्डर प्लेस कर तो सकते हो, बट ये एक हफ्ते की सेल तो सिर्फ नाम की ही होती है। आपको बेस्ट ऑफर्स सिर्फ पहले कुछ घंटों में मिलते हैं, एंड उसके बाद प्राइसिंग काफी बढ़ जाती है, इसीलिए इनकी मेंबरशिप पहले ही लेके रख लेना ताकि आपको एक दिन जल्दी एक्सेस मिल जाए सेल का, एंड आप सबसे पहले बेस्ट प्राइसिंग पे अपना ऑर्डर प्लेस कर पाओ। एंड इसके साथ ही अपना एड्रेस एंड कार्ड्स भी पहले ही सेव करके रख लेना ताकि ऑर्डर प्लेस करते टाइम आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट, जब कार्ड ऑफर्स की बात करें तो अमेज़न पर आपको SBI के क्रेडिट कार्ड्स पे 10% फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाएगा, एंड फ्लिपकार्ट पर आपको ICICI एंड एक्सिस बैंक के कार्ड्स पर 10% कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी से अपने कार्ड्स रेडी करके रख लो, एंड अगर नहीं है तो दोस्तों से मांग के रख लो अगर अपने 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा बचाने हैं। तो अब फाइनली आईफोन्स की प्राइसिंग पर आते हैं, एंड मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट रेडी करके रखी है। तो स्टार्ट करते हैं iPhone 11 से, एंड ये जो भी प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा ये कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद के प्राइसेस हैं। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो 1500-2000 एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। तो iPhone 11 आपको कार्ड डिस्काउंट के बाद 23,000 से 25,000 के बीच में मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि अब ये बहुत आउटडेटेड हो गया है, एंड इवन इसमें आपको 5G सपोर्ट भी नहीं आता। तो हो सके तो इस फोन को अवॉइड ही करना, क्योंकि अब तो एप्पल ने ऑफिशियली इसकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी है, जिसका मतलब है कि ये फोन आपको लास्ट बार सेल्स में दिख रहा है। नेक्स्ट, अब iPhone 12 की बात करें, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज कर रहा हूं अभी तक, तो ये आपको 35,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफी बढ़िया डील है। आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि मॉडर्न डिजाइन के साथ आपको 5G सपोर्ट भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट पर iPhone 13 है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इस बार लोगों का फेवरेट रहने वाला है, बट ये फ्लिपकार्ट पे ना आके इस बार आपको Amazon पे देखने को मिलेगा, एंड इसकी प्राइसिंग आपको 42,000 से 45,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी। कंसीडरिंग कि पिछले साल की सेल पे फोन 50,000 का सेल हो रहा था, इस बार इसका प्राइस और भी बहुत बढ़िया हो गया है। नेक्स्ट, अब iPhone 14 की बात करें, जो कि ऑलमोस्ट iPhone 13 जैसा ही है, एंड इसलिए इनकी प्राइसिंग में भी बहुत कम डिफरेंस आने वाला है, तो इस बार ये आपको 48,000 से 50,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहो तो iPhone 13 की जगह इसे भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4-5 हज़ार का ही आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों में। नेक्स्ट, अब iPhone 14 Pro की बात करें तो ये आपको 95,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, एंड फाइनली iPhone 14 Pro Max आपको 1,10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी के सभी मॉडल्स जैसे कि iPhone SE, SE 2, 12 Pro के मॉडल्स या फिर 13 Pro के मॉडल्स पे आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो आज के लिए तो वीडियो में इतना ही है, अब यहां तक देख ही लिया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते जाना, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।